अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे किचन में बनने जा रहा है चिकन लॉलीपॉप ग्रेवी, जो बनेगी मेरी स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी और देखते हैं कुछ इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले मेरे पास है आधा किलो लॉलीपॉप, इसको वॉश करके मैंने यहाँ रख लिया है। उसके बाद मसालों में मेरे पास है 2 चम्मच भर कर लाल मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और आधा नींबू है। विनेगर नहीं है तो मैं नींबू ऐड करूंगी। उसके बाद मेरे पास है 2 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच भर कर टमाटो केचप, 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच भर कर रेड चिली सॉस और ये है 2 चम्मच के करीब सेजवान सॉस। उसके बाद मेरे पास ये है 2 चम्मच भर कर मैदा, 2 चम्मच भर कर कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा। चलिए स्टार्ट करते हैं मैरिनेशन। सबसे पहले मैं अपना जो लॉलीपॉप है ये ऐड कर दूंगी इसमें। उसके बाद मैं इसमें नींबू का रस ऐड करूंगी। उसके बाद इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। फिर जाएंगे ये सब मसाले और फिर मैं इसे एक अच्छा सा मिक्स दे दूंगी ताकि जो मसाला है वो पूरे लॉलीपॉप पर लग जाए। और उसके बाद मैं अब इसमें ऐड करूंगी टमाटो केचप, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, सेजवान सॉस और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर, मैदा, अंडा और मैं इसे मिक्स करूंगी अच्छे से। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहे तो फूड कलर भी यूज कर सकते हैं बट मैं नहीं यूज कर रही हूँ। तो अब मैंने जो लॉलीपॉप है उसको मैरिनेट कर दिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था लॉलीपॉप को मैरिनेट करने के लिए। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ और इस पर कढ़ाई भी है और उसमें मैं ऑलरेडी तेल भी ऐड कर चुकी हूँ। तो चलिए, हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें लॉलीपॉप ऐड करूंगी। हमें लॉलीपॉप को थोड़ा सा दूर दूर इसको ऐसे डालना है, इसको बिल्कुल ऐसे चिपकना नहीं चाहिए नहीं तो वो पूरा स्टिक करके जाएगा। तो ऐसे थोड़े से दूर दूर हम इसे डालेंगे। तो हमें एक बात का ध्यान देना है कि जब हम को तेल जब गरम करना है तो हम उसे फुल फ्लेम पर करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम उसे स्लो कर देंगे क्योंकि जो चिकन लॉलीपॉप है वो बाहर से क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसे स्लो फ्लेम को हमको स्लो करना है उस वक्त और इसे अच्छे से फ्राई करने देना है। 5 से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाती है। तो हमारी जो लॉलीपॉप है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और इसी तरह हम बाकी की जो बची हुई लॉलीपॉप है वो भी इसी तरह हम फ्राई करेंगे। तो चलिए, जो बची हुई लॉलीपॉप थी वो भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल लेती हूँ।
तो चलिए चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी के लिए हमको चाहिए सबसे पहले ये है आधा इंच का टुकड़ा अदरक का था जिसको रफली चॉप कर लिया है, और 5 से 6 जो है लहसुन के थे उनको भी चॉप किया है, और 3 हरी मिर्ची थी उनको भी चॉप किया है, और ये थी 1 शिमला मिर्च जिसको ऐसे लंबा लंबा कट कर लिया है, और प्याज को मैंने डाइस शेप में कट कर लिया है। और चलते हैं आगे, आप सब्जी की कटिंग अपने मुताबिक भी कर सकते हैं, आपको अगर चाहिए तो आप क्यूब में काट सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप उसकी कटिंग वैसे कर सकते हैं। तो चलिए सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये मैं ऐड करूंगी 3 चम्मच भर कर सेजवन चटनी, उसके बाद मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच भर कर रेड चिली सॉस, आधा चम्मच के करीब सोया सॉस, और फिर मैं ऐड करूंगी केचप, ये मैं ऐड कर दूंगी, ये 3 बड़े चम्मच केचप है, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर दूंगी, आप विनेगर ऐड कर दीजिएगा। जो सॉस है वो अच्छे से मिक्स करके मैंने रख लिया है साइड में। उसके बाद मैं लूंगी एक ग्लास और उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच भर कर कॉर्नफ्लावर, और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये कॉर्नफ्लावर जो है वो हमारी ग्रेवी को थिक करेगा। इसे अच्छे से मिक्स करके ये मिक्स हो गया, अब इसको भी साइड में रख लेते हैं और चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो देखिए गैस की फ्लेम मैं ऑन कर चुकी हूँ और उस पर मैंने एक बर्तन भी रख लिया है और उसमें ऑयल भी है। अब इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी जो हमारा चॉप जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली था उसको, और फिर मैं इसे इसे सॉटे करूँगी थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये प्याज और शिमला मिर्च, और हमें इसे फास्ट फ्लेम पर ही पकाना है, बिल्कुल गैस की फ्लेम को हमको स्लो नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हरी प्याज, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जो सॉस हमने बनाया था वो। हमें इसे पकाना नहीं है, जस्ट हमको इसको सॉटे करना है सब सब्जियों के साथ में, एक अच्छा सा मिक्स देना है हमको इसको। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो कॉर्नफ्लावर का जो पानी था, जो स्लरी हमने बनाकर रखे थे वो, हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें जैसे ही थोड़ा सा बॉईल आने लग जाएगा हम इसमें जो लॉलीपॉप है वो भी ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें बॉईल आने लग गया है, अब हम इसमें जो लॉलीपॉप है वो भी ऐड कर देंगे। देखिए हमने सब अच्छे से डालकर मिक्स कर लिया है, और अब जो है हमारा जो चिकन लॉलीपॉप विद ग्रेवी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम मैं बंद करने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक मैंने चेक किया था, नमक कम था, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, आप अपने हिसाब से ऐड कर दिएगा। तो देखिए हमारी जो लॉलीपॉप ग्रेवी है वो बनकर रेडी हो चुकी है, तो मैंने गैस की फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ। हम इसे डिश आउट करते हैं, देखिए कितनी प्यारी सी ग्रेवी इसकी बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए हमारी जो चिकन लॉलीपॉप ग्रेवी है वो बिल्कुल बनकर रेडी है, तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।